डायरेक्ट मेथड का जो दूसरा मेथड है वो है क्रॉस सेक्शन मेथड अर्थात अनुप्रस्थ काट विधि। तो इसका जो उपयोग है वो देखेंगे कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है। उपयोग तो अगर जो सड़क है वो पतली पट्टी के रूप में उपयोग होगा, जो रेलखंड है वो होगा, सीवर जो है वो होगा। तो इसको लिखेंगे सड़क, रेल मार्ग, नहर, संचार लाइन, सीवर कार्य। ये चार जो हैं उपयोगी है ये। अब इसकी प्रक्रिया क्या है करने की वो देखेंगे। प्रक्रिया क्या, प्रोसेस है इसको करने का। तो हमारे पास जो पतली पट्टी के रूप में क्षेत्र होगा वो पतली पट्टी के रूप में क्षेत्र कुछ इस प्रकार से होगा। ये हमारा पतली पट्टी के रूप में क्षेत्र हो गया। अब इस क्षेत्र के बीचों बीच एक मध्य लाइन होगी, सेंटर लाइन, मध्य रेखा। इसी मध्य रेखा पर क्या काम करेंगे हम कि इसके बीचों बीच में कुछ अंतराल पर हम खूंटियां गाड़ देंगे। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये अंतराल जो होगा ये 10 मीटर से 30 मीटर तक होगा। दस से 30 मीटर तक का ये अंतराल होगा। और ये जो अंतराल हो गया इसी अंतराल के लेफ्ट और राइट साइड में, मतलब ऐसे हम इसके बीच में हम यहाँ पे खड़े हैं, इसके लेफ्ट और इसके राइट 5 से 10। यहाँ पे फिर हम खूंटी गाड़ेंगे, यहाँ पे फिर गाड़ेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इसको थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा बराबर लगे। अब ये जो दूरी है ये बराबर बराबर दूरी रहेगी। फिर ये दूरी हो गया, ये दूरी हो गया, और यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं तो ये रिड्यूस डिस्टेंस हो जाएगा RD। तो ये इनके बीच का जो ये गैप है ये 5 से 10 मीटर का गैप है। ये और यहाँ पे हम जो डिस्टेंस ले लिए रिड्यूस डिस्टेंस है ये 0 है। इसके बाद यहाँ जो डिस्टेंस है मान लीजिए हम 30 का लिए तो ये 60, ये 90, 9 3 12, ये 120 हो गया। अब इसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से मिला देंगे, इसको इस तरीके से मिला देंगे, इसको इस तरीके से, और ये जो बट गया इसमें ये डिस्टेंस यहाँ ऐसे बट गया। इस तरीके से हमने क्षेत्र को बांट लिया है। अब क्षेत्र को बांटने के बाद इस क्षेत्र में जो कंटूर लाइन रहेगी उसको हम दिखा देंगे इसमें। तो वो कंटूर लाइन मान लीजिए है, एक कंटूर लाइन यहाँ से ऐसे गई है, इसकी वैल्यू हम ले लें 100.50। एक कंटूर लाइन हम कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, इसकी वैल्यू 100 ले लेते हैं हम।
इसके बाद एक कंटूर लाइन हम इसमें ले लेते हैं, इसकी वैल्यू 99.00 ले लेते हैं। उसके बाद एक कंटूर लाइन जो है उसको हम कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, इसकी वैल्यू 98.00 एक कंटूर लाइन यहाँ ले लेंगे 97.50। क्रॉस सेक्शन मेथड है, उसका प्रोसेस देखेंगे हम। इसका प्रोसेस अर्थात प्रक्रिया क्या थी हमारी, तो स्टेप नंबर वन, जो भी हमारे पास क्रॉस सेक्शन है उसकी लंबाई की दिशा में हम उस पूरे क्षेत्र के बीच में एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो स्टेप नंबर सबसे फर्स्ट जो लिखेंगे वो लिखेंगे कि क्रॉस सेक्शन के लंबाई में क्षेत्र के बीचों बीच क्षेत्र के बीचों बीच सेंटर लाइन ड्रा करते हैं तथा सेंटर लाइन पर समान अंतराल लेते हुए खूंटियां गाड़ते हैं। अर्थात जैसे ये हमने लिया और इस समान अंतराल पर हम खूंटियां गाड़ेंगे, एक यहाँ गाड़े एक यहाँ गाड़े, और इसके बीच की ये मान लीजिए अगर 30-30 डिस्टेंस लिए थे तो 30-30 डिस्टेंस पर हम खुटिया गाड़ते चले गए थे। उसके बाद जो स्टेप नंबर टू था, सेंटर लाइन पर गाड़ी गई खूंटियों के दाएं व बाएं दाएं तथा बाएं ओर, अब इसी बिंदु के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 5 से 10 मीटर के अंतराल पर खूंटियां गाड़ते हैं। इस गाड़ी गई खूंटियों के इस गाड़ी गई खूंटियों के ऊपर स्टाफ रखकर उसका किसी बेंचमार्क के संदर्भ में RL ज्ञात कर लेते हैं। स्टेप थ्री में अब जो हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन में जो हमारे पास क्षेत्र है उसमें हमको बैरियर बहुत सारे पॉइंट मिल गए हैं। अब उन पॉइंटों को क्या करेंगे, ड्राइंग शीट पर उतारना है हमको। तो लिखेंगे क्रॉस सेक्शन के अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं जो खूंटियों के रूप में है, विभिन्न बिंदु जो है किसी है खूंटियों के रूप में, क्रॉस सेक्शन
के अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं जो खूंटियों के रूप में है को ड्राइंग शीट पर प्लॉट करते हैं तथा समान उच्चता के बिंदुओं की खोज इंटरपोलेशन मेथड के द्वारा किया जाता है। और इसके बाद जो इंटरपोलेशन का कार्य हम करेंगे, तो इंटरपोलेशन के कार्य के अंतर्गत जब दो बिंदु लेंगे तो दो बिंदुओं के बीच की जो ढाल है उस ढाल को हम एक समान मान लेंगे। तो ये भी लिख सकते हैं हम नोट के रूप में, नोट इंटरपोलेशन अर्थात अंतर्वेशण, अंतर्वेशन क्रिया के अंतर्गत दो बिंदुओं के मध्य दो बिंदुओं के मध्य ढाल को यूनिफॉर्म अर्थात एक समान मान लेते हैं। तो एक नोट के रूप में हो गया।